Hello students, good morning. Now today we start our chapter subtraction in worksheet. But before that we revise subtraction fact. It is given on page number 39 in your textbook. Now what is the subtraction fact? By subtracting 1 from a number, we get the previous number. That is called predecessor. जब भी हम किसी भी दिए हुए नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है दैट इज़ प्रीडिसीजर और बिफोर नंबर. कोई भी नंबर दिया हो 8-1 7, 9-1 8, 10-1 9, दिस ऑल आर बिफोर नंबर ऑफ दिस गिवन नंबर्स. तो जब भी हम 1 माइनस करते हैं हमें आंसर में बिफोर नंबर मिलता है. आवर सेकेंड फैक्ट इज व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्सेल्फ द डिफरेंस इज 0. जब हम किसी नंबर को उसी नंबर में से माइनस करते हैं तो हमें आंसर में मिलता है 0. दैट मीन्स बोथ साइड वी हैव सेम नंबर एंड वी अप्लाई सब्ट्रैक्शन सो आवर आंसर विल बी 0. सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर मीन्स नो सब्ट्रैक्शन. द डिफरेंस इज द नंबर इट्सेल्फ. दैट मीन्स जब भी किसी नंबर में से हम 0 माइनस करते हैं तो हमें आंसर में वही नंबर मिलता है. बिकॉज सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारे पास से किसी चीज़ का जाना. बट जब 0 दिया है दैट मीन्स हमारे पास से कुछ भी नहीं गया. तो सेम नंबर इज़ अवर आंसर. नाउ एवरीवन रिमेंबर दिस ऑल 3 फैक्ट इन योर माइंड. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन सब्ट्रैक्शन ऑलवेज बिगर नंबर अपसाइड एंड स्मॉलर नंबर डाउनसाइड. नाउ वी स्टार्ट अवर वर्कशीट. इन वर्कशीट चैप्टर नंबर 3 सब्ट्रैक्शन पेज नंबर 3. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. हमें नीचे सम्स दिए हैं और उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है. आई टोल्ड यू ऑलवेज बिगर नंबर अपसाइड एंड स्मॉलर नंबर डाउनसाइड इन सब्ट्रैक्शन. 39 इज बिगर देन 23. सो दिस इज द राइट. Subtraction always start from the place of ones, then tens, then so on. जितने भी numbers दिए हों. Now 9-3. How do we count? Always after downside number go till the upside number. मतलब हमें इस small number के बाद से start करके इस big number तक जाना है. After bottom number till the top number. So 3 after 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many fingers open? 6. So our answer is 6. Now this side 3-2. So after 2 till the 3. So 2 after 3. How many fingers open? 1. So it's a 1. That means 39-23. Our answer is 16. Now next example, 72-32. Now here both sides same number, 2-2. In subtraction fact we already saw, जब दोनों तरफ सेम नंबर होता है सब्ट्रैक्शन में तो आवर आंसर विल बी 0. तो 2-2 आंसर इज 0. नाउ हियर 7-3. सो 3 आफ्टर टिल द 7. 3 after 4, 5, 6, 7. We open 4 finger. So our answer is 4. Now here 67-14. 7-4. So 4 after till the 7. 4 after 5, 6, 7. 3 fingers will be open. Our answer is 3. Now 6-1. So 1 after till the 6. 1 after 2, 3, 4, 5, 6. We open 5 finger. So our answer is 5. Use subtraction fact to fill in the blanks. अभी मैंने आपको जो fact बताए उसके according आपको ये fill करना है. When we subtract 0, we get same number. When we subtract same number, answer is 0.
Now downside is a subtract the following. Now we start this sum. 43 minus 27. 43 is bigger and 27 is smaller. Now we observe individual. Individual agar hamara number upar wala chota hai aur niche wala bada hai, that means we borrow from someone. Ones ki place 10 se borrow karta hai aur tens ki place 100 se borrow karta hai. 3 minus 7, that means hamare paas 3 pencil hai aur hame kisi ko 7 pencil deni hai. So it's not possible. तो वंस क्या करेगा, वो टेंस में से बोरो करेगा. टेंस उसे वन देगा, तो फोर में से वन गया तो बचा थ्री. जिसमें से भी हम बोरो करेंगे उसके ऊपर ऑलवेज हम बिफोर नंबर लिखेंगे. सो फोर में से वन गया तो थ्री. यहाँ पे वन आया, दैट वन इज़ इक्वल टू टेन. सब्ट्रैक्शन के अंदर हम जो वन बोरो करते हैं वो वन की वैल्यू टेन हो जाती है और उस टेन को हम इस ऊपर के स्मॉल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं. तो 10 प्लस 3 इक्वल टू 13. नाउ 13 इज़ बिगर देन 7, सो सब्ट्रैक्शन इज़ पॉसिबल. सो नाउ 7 आफ्टर टिल द 13. 7 आफ्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13. वी ओपन 6 फिंगर, सो आंसर इज 6. This side 3 minus 2, 2 after till the 3, so 2 after 3, we open only one finger, so answer is 1. So 43 minus 27, our answer is 16. Now I show you one more example. 86 minus 59, now 86 minus 59 possible. But 6 minus 9, not possible. So 6 borrow from the 8. 8 is given 1. So 8's before number is 7. And here, which one we take, that's value is 10. Humne yahan se jo 1 liya, uski value 10 hoti hai. So 10 plus 6 equal to 16. Now 9, 16 minus 9 is possible. So 9 after till the 16 we count the finger. So 9 after 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. We open 7 finger. So our answer is 7. Now 7 minus 5. So 5 after till the 7. 5 after 6, 7. We open 2 finger. So 86 minus 59, our answer is 27. I hope everyone understand both method. This is simple subtraction which you are already learned in first standard. This is according to the subtraction fact which are given on page number 39 in your textbook, and this is subtraction with carryover. If individual upside number is small and downside number is big, we borrow from the next place. So please again and again play this video, understand this sum, and then solve this all remaining sums yourself. Okay students, thank you.